हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में पर्यावरण। तो सीटेट के पर्यावरण में पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा या कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो हम लोग जब पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण में लगभग सभी चीज़ें पढ़ते हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, फिर इकोलॉजी सिस्टम पढ़ते हैं, फिर प्रदूषण पढ़ते हैं, प्रदूषण क्यों उत्पन्न होते हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद तब ये समझ में आता है, जब सीटेट का पेपर देने जाते हैं तो समझ में आता है ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो ये मतलब कि ऐसी चीज़ें हम लोग को पढ़ने से मतलब नहीं, हम लोग वही पढ़ना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसका परीक्षा से आपका सीधा संबंध हो। हाँ, लेकिन अगर आप यूपीटेट के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ना होगा, लेकिन सीटेट के दृष्टिकोण से आपको पर्यावरण पढ़ते समय पर्यावरण को किस तरह से पढ़ना है ये हम लोग को अब समझना और देखना होगा। क्योंकि जो सीटेट के प्रश्न होते हैं, जो सीटेट के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका एक ही तरीका, एक ही माध्यम होता है कि एक अध्यापक का क्लास में या क्लास के भीतर, क्लास के बाहर किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। तो पर्यावरण की क्लास में, पर्यावरण क्लास में बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज का मतलब क्या है कि जैसे जितने भी हम बाल विकास में, जितने भी बाल विकास की थ्योरी पढ़ेंगे, उन सभी का प्रयोग हम पर्यावरण कक्षा में किस प्रकार से करना है। लेकिन फिर भी हमारी सिलेबस में पर्यावरण को क्यों रखा गया, तो पर्यावरण का तात्पर्य क्या है? अगर हम पूछे पर्यावरण किसे कहते हैं तो बताइए वास्तव में पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। परिधान आवरण, परिमाने घिरा बाहर से, या घिरा हुआ आवरण माने घेरा, घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। जबकि यह अगर आपका मान लेते हैं ये डेफिनेशन सही है, तो सीटेट की दृष्टिकोण से अगर हम पर्यावरण को पढ़ते हैं तो यही पर्यावरण क्या होता है, जो आपकी कक्षा होती है जिसमें बच्चे होते हैं, इन सभी जो बच्चों के बीच जो आपका भी एक पर्यावरण होता है। पर्यावरण क्या होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, शैक्षिक पर्यावरण होता है, और ये जो इकोलॉजी पर्यावरण जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यावरण या भूगोल का पर्यावरण। तो पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, केवल पर्यावरण तात्पर्य वो नहीं होता कि पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए आवरण। लोग कहते हैं ना कि इस बच्चे पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो उस पर्यावरण की बात करता है सीटेट। तो सीटेट में क्या होता है, हम सभी जितने भी पर्यावरण होते हैं उन सभी का अध्ययन इनके अंतर्गत करते हैं। तो इसमें जब सबसे पहले पर्यावरण को भी यहाँ के लिए भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम ये देखेंगे यह पर्यावरण को सीधा सीधा लिख लेते हैं, लेकिन यह पर्यावरण क्या होगा, इसका सीधा सीधा संबंध आपके विद्यालय, विद्यालय कौन सा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय माने 1 से 5, माने इस पर्यावरण का आपके प्राथमिक विद्यालय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे संबंध है वो होगा। दूसरी तरफ होगा पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, यह आपका सिलेबस में दो खंड में होगा, 15 के ये होंगे, 15 का ये होगा, माने दोनों मिलाकर आपके 30 नंबर के होंगे। दोनों अगर हम लोग मिला दिया जाए तो कितने नंबर के होंगे, 30 नंबर के होंगे। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जिस प्रकार के उन्होंने सिलेबस दिया है सिलेबस के आधार पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है पर्यावरण का पढ़ेंगे, तो पहला ये होता है हम और हमारा परिवार। ये हम और हमारा परिवार क्या है, हम और हमारा परिवार। तो हम और हमारा परिवार में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ से सीटेट कभी ज्यादा कर आए हैं, लेकिन 16 में यहाँ से प्रश्न आया है, सीटेट 2016। हम और हमारा परिवार का तात्पर्य है बालक को सबसे पहले ये बताना है, बालक माने प्राथमिक कक्षा में जिसमें आप अध्यापक बनेंगे, उसका जो बालक है उस बालक को सबसे पहले आपको यह बताना है कि वह क्या है। वह माने बालक, बालक क्या है, बालक का मतलब क्या है, बालक का वह क्या है का मतलब, जैसे वह का मतलब होता है बालक का नाम, अभी आप लोग हिंदी पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वो भी नहीं आएगी। वह का मतलब बालक क्या है, बालक का एक नाम होगा, फिर उस नाम के बाद उसके माता पिता होंगे, जैसे ही हो गया आपका बालक, फिर बालक के भी क्या होंगे, माता पिता होंगे, फिर माता पिता के भी क्या होंगे, इन दोनों संयुक्त रूप से इसके दादा, माता पिता के भी माता पिता होंगे, फिर माता पिता दो पक्ष के हो जाएंगे। देखिए कैसे है, मतलब सीटेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा तोड़ के बता रहे हैं। पहले तो बताएंगे हम माने हमारे परिपेक्ष में, हम और हमारा परिवार, हम का मतलब हो जाएगा यहाँ अध्यापक, लेकिन इस समय हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो प्राथमिक कक्षा की शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है, तभी पहले हम बताएंगे यह बालक हो गया, हमको डायग्राम थोड़ा बनाने नहीं आता, समझ लीजिए ये बालक हो गया, ठीक, बालक कोई भी हो सकता है, ये पुरुष हो या महिला, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लिंग भेद नहीं करना, आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि इसी में पढ़ेंगे सीक्रेट में, और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये हो गया, ये स्वयं बालक हो गया। अब बालक क्या हो गया? बालक का कोई नाम होगा, राम श्याम मोहन कोई भी नाम होगा इसके। फिर क्या होगा? इसके माता पिता होंगे, इनके माता पिता होंगे। अब माता पिता कौन होंगे जान लीजिए, मान लीजिए ये हो गए बेचारे पिता, इनको धनात्मक, ये हो गए इनकी माता, ठीक, ये माता हो गई, ये ठीक। अब इसका क्या हो गया? दो पक्ष हो गया, पिता और माता। अब इनके भी माता पिता, इनके भाई बहन होंगे। तो अब हमें ये हमारा परिवार से तात्पर्य तरह से हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रक्त संबंध। माने क्या हो? इस बालक को अपने परिवार के और रिश्तेदार के नाम के साथ साथ इसे इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि किससे क्या संबंध होता है। जैसे यदि पिता का भाई धनात्मक क्या होगा? चाचा। और इसकी बहन है इनकी, तो क्या होगी? हाँ, तब इनकी बुआ होंगी। यही अगर इनके माता के पक्ष का होगा, यही मैं बालक को हम और हमारे परिवार में ये बातें भी सिखानी है। ये अगर माता पक्ष की बात करें, इनके माता पक्ष की, तो इनका भाई मम्मी का भाई मामा, और इनकी बहन मौसी। तो मौसी और मामा इस पक्ष में आए, तो बुआ और ये, फिर इसी पक्ष के ऊपर चलते हैं, फिर इनके भी, इनके पिता और इनके पिता। अब इनके पिता की बात करेंगे तो माता भी इनकी होंगी, तो इनके माता पिता दो, फिर इनके माता पिता दो। दो का मतलब दो माता पिता नहीं, एक माता और एक पिता, ऐसा नहीं दो माता दो पिता। तो इसके क्या होंगे? एक माता एक पिता, एक माता एक पिता एक माता। तो इनके जो पिता होंगे, माने पिता का पिता क्या? दादा। और पिता का माता, पिता की माता दादा। तो इस पक्ष की तरफ जाएंगे तो दादा दादी, और इस तरफ आएंगे तो, जब ये इनके नाना तो ये इनके क्या है? हाँ, नाती और नतनी, ठीक। और फिर इसके बाद परदादा। तो ये सारे जो रिश्ते होते हैं, इसका हमें बालक को यह समझाना है कि बालक तार्किक रूप से उसके ज्ञान में क्या हो? वृद्धि हो। इसलिए हम और हमारा परिवार को सम्मिलित किया गया। इसमें हमें बालक को ये चीजें पढ़ानी है या स्वयं पढ़नी है कि बालक का क्या संबंध होता है। तो बालक इस प्रकार क्या था? संबंध को सीखता है, फिर इनके लड़के इनके क्या कहलाएंगे, इनके लड़के इनके क्या कहलाएंगे, ठीक। तो यहाँ इस पक्ष में आएगा तो चचेरा भाई, इस पक्ष में आएगा तो ममेरा भाई, ठीक। अब मामा का लड़का ममेरा भाई, चाचा का लड़का चचेरा भाई, ठीक। इनका ये भतीजा, ये इनका चाचा, ठीक। भतीजा या भतीजी, चाचा या चाची, चाचा की वाइफ चाची, और मामा की वाइफ मामी, मौसी की हस्बैंड मौसा। तो ये सारे चीजें हम और हमारा जो परिवार जो आपके सिलेबस में रखा गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बालक इनसे सीखे, ठीक। उसके बाद हम और हमारा परिवार ये दोनों ने सीख लिया। हम माने बच्चे का नाम, बालक का नाम, हमारा परिवार माने या ब्लड रिलेशन। उसके बाद मित्रता, उसी सिलेबस में आ गए हैं मित्रता। ये मित्रता क्या है? ये अभी यहां से एक प्रश्न आ चुका है, सीटेट और सिलेबस में ही दिया गया है। ये मित्रता, अब हम और हमारा परिवार के बाद एक जो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वह मित्रता का होता है। जब हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, या हम अन्य प्रकार की समावेशी शिक्षा की जब बात करते हैं, तो जब समावेशी शिक्षा में हम ये देखते हैं कि हमें एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को एक साथ अध्ययन अध्यापन करना है। जैसे जैसे अगर ये हमारी कक्षा है, ये आपकी कक्षा हो गई, अगर इसमें आपके 40 विद्यार्थी की कक्षा है, कितने विद्यार्थियों की? 40 विद्यार्थी कक्षा है। तो 40 में से मान लीजिए, जैसे आप कुछ बालक तेज बालक हो गए, कुछ बालक क्या पढ़ने में कमजोर है, अगर कोई बालक विकलांग है, यदि कोई बालक विकलांग है, तो कहते भैया विकलांग बालक को नहीं पढ़ाएंगे, दिव्यांग बालक को आप नहीं पढ़ाते हैं, तो आप ये कहते हैं दिव्यांग बालकों के लिए अलग विद्यालय खोल दिया जाए। क्या कह दिया? अलग विद्यालय खोल दिया जाए। अगर आप दिव्यांग बालकों के लिए अलग विद्यालय खोल देंगे, मान लीजिए बालक पैर से विकलांग हो, तो क्या करेगा वो? सदैव पैर के विकलांग बालकों के साथ रहेगा। तो अगर उसे दौड़ना चाहेगा, बैठना चाहेगा, तो सभी बालक दिव्यांग है, तो क्या करेंगे? वो एक ही क्लास में बैठ के क्या करेंगे? हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर वही समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक ही क्लास में सभी प्रकार के बालकों को एक साथ रखा जाए। अब क्या होगा? अब मान लीजिए इसके बगल बैठता है एक अच्छे लड़के के साथ बैठता है बगल में, तो वह जब छुट्टी होती है तो तेजी से भागता है, प्रयास करिएगा, छुट्टी को बैग लेके भागता, तो इसका मित्र ये भी क्या करता है? उसके साथ भागने का। यहाँ क्या है? वो उसके साथ एक दूसरे का आश्रित है, यहाँ चलना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ क्या है? अब वो भागना चाहेगा, बेशक उतनी तेज ना भाग जाए, लेकिन यहां से ज्यादा फुर्तीवान, फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो लगातार
प्रकृति से अपने बीच लड़ता रहेगा, तो हो सकता है इनके अपेक्षा नहीं लेकिन पहले के बच्चा इनके बच्चा हो तेज भाग। तो समावेशी शिक्षा के साथ साथ ये मित्रता का यहाँ पे जो मित्रता की बात कही गई है वो हमें क्या किसके परिप्रेक्ष्य में गई है, समावेशी शिक्षा के आधार पर है। तो ये पर्यावरण में, लेकिन ये कक्षा का पर्यावरण है, हमें ये दिखाना है। ये मित्रता का तात्पर्य होगा कि यह विकलांग बालक जब इनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जब इनके साथ रहेगा तो इनके भी गुण इनमें, और ये कौन से गुण, ये तो अपने आप को तभी विकलांग महसूस नहीं करता, तभी से ये लगे मैं दौड़ नहीं पा रहा, तो ये अपने आप से क्या करेगा, प्रयास करेगा, ये भी इनके साथ क्रिकेट खेलेगा, ये भी इनके साथ मैच खेलेगा, ये भी इनके साथ खेलेगा, इनके साथ खाएगा, इनके तो क्या होगा, या इनके बीच जो भेद था समाज में कि अब विकलांग है वह दरार क्या होगी, कम हो जाएगी। अब इसे स्कूल जाना था तो मम्मी छोड़ने के बाद किसके साथ दिन भर रहता था, विकलांगों के साथ, तो ये इसे लगता था कि मैं विकलांग, लेकिन जब समावेशी कक्षा में पढ़ेगा तो यह इसकी मित्रता वजह से, यहाँ वजह से यह अपने आप को यह निवास करेगा मैं विकलांग हूँ, तब लगेगा मैं एक छात्र हूँ। इसलिए समावेशी कक्षा मतलब मित्रता का जब पढ़ाया जाता है, मित्रता पढ़ाया जाता है, उस समय हमें समावेशी शिक्षा को भी पढ़ाया जाता है। तो जो यह मित्रता पढ़ाया जाता है जो पर्यावरणीय कक्षा में, ईवीएस कक्षा में जो पढ़ाया जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि बालक के अंदर मैं चीज खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पर्यावरण पढ़ाते समय अपने कक्षा में इस बात का विशेष ध्यान दे रहा है जब आप शिक्षण कार्य करें उससे कोई भी बच्चा वंचित न होने पाए। तो इसको भी साथ ही साथ कुछ बालक मंदबुद्धि के होते हैं, मंदबुद्धि बाल, अब जिसे पढ़ेंगे अभी बाल विकास में पढ़ाया जाएगा, आपको बालकों कैटेगराइज की जाएगी, तो वहां पर देखते हैं मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, प्रखर बुद्धि बालक, सामान्य बालक और प्रतिभाशील बालक। तो उन बालकों के बीच जब इस कक्षा में जब शिक्षण कार्य किया जाएगा तो जो मित्रता होती है, मित्रता में क्या चीज होती है, हम जानते हैं लोग कहा भी जाता है कि संगत का असर पड़ता है। तो हो सकता है मंदबुद्धि का बालक हो, अगर आप उसकी कक्षा में कोई प्रखर बुद्धि का बालक उसके संगत में आएगा तो भी क्या करेगा, पढ़ना शुरू करेगा। लेकिन कुछ अपवाद है, कहते हैं बिगड़ गया लड़का, लोग आप कहते भी ना कि उनके संपर्क में वो सही नहीं था तो वो क्या हो गया, बिगड़ गया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ जो मित्रता का तात्पर्य है जो आपके अध्याय में रखा गया है, वह इस बात के लिए रखा गया है कि मित्रता जो रखा गया उसका एक उद्देश्य था समावेशी शिक्षा, ठीक। और समावेशी शिक्षा क्या, अभी आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर भी, एक सिलेबस भी है, और शायद जो थर्ड सेमेस्टर में गए होंगे उनके लिए एक पाठ्यक्रम इसको रखा गया है, मतलब सिलेबस में रखा गया समावेशी शिक्षा। तो मित्रता का उद्देश्य हो गया कि कक्षा में शिक्षण कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए मित्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रता के बीच होने से क्या होती है, इसमें कई पॉइंट आते हैं। एक आता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, देखिए प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से आगे जाना, जैसे दो मित्र हैं तो दो मित्र के बीच क्या होता है, कभी दौड़ की प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे पता चला क्लास में आज कक्षा पांच के बच्चों या कक्षा तीन के बालकों की रेस होगी, शाम को जो जीतेगा उसे इनाम देंगे। अब क्या होगा, उस क्लास में कई प्रकार के बालक, कोई पढ़ने में तेज, कोई पढ़ने में कमजोर, कोई मेरी तरह मंद बुद्धि बालक, ठीक, कोई दिव्यांग बालक, इन प्रकार के बालक हैं। लेकिन जब दौड़ में हिस्सा लेने की बात होगी तो क्या करेंगे, सभी बालक हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं, और खासकर बड़े क्लास में एक बार कम, लेकिन छोटे क्लास में 30 के 300 बच्चे कहेंगे सर हम दौड़ेंगे, ठीक। जब सभी एक साथ दौड़ेंगे तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना जागे, क्योंकि मैं आगे जाने की भावना होगी। और वो अगर ये कह दिया जाए कि प्रत्येक शनिवार को शाम को छुट्टी से पहले क्या होगी, एक दौड़ प्रतियोगिता होगी, तो सभी अपने मित्र बनाएंगे, मित्र के साथ साथ अपने मित्र से क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करेंगे या आगे निकलने का प्रयास करेंगे। तो जो क्लास की इन्वायरमेंट, जो क्लास की जो पर्यावरण होगी वो क्या होगी, प्रतिस्पर्धा के बीच आएगी। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो अपने आप क्या होगा, विकास होगा। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग विकास और अभिवृत्ति, विकास अभिवृत्ति बाल विकास। फिर ये होगी इसकी बात, फिर पता चला कि सर ने आज जोर पढ़ाया लड़कों को, कहेंगे सर पर्यावरण में जोर कहां से आ गया। जब पर्यावरण हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण की शिक्षा साथ, तो वहां देखेंगे कि पर्यावरण का गणित के साथ क्या संबंध है, क्यों बालक को। अच्छा एक प्रश्न ये पूछता है कि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण किन कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बताइए। आपसे पूछा प्रश्न है सीटेट का, एक से लेके पांच, दो से लेके पांच, तीन से लेके पांच या केवल चार पांच, यह सीटेट का पूछा प्रश्न है, यह सीटेट का पूछा प्रश्न है। नहीं ये तो गलती है, कक्षा तीन से पांच, तीन चार पांच में केवल पर्यावरण पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके पहले क्यों पढ़ा रही है तो हम बताएंगे आगे, ऐसा क्या रीजन है एक अच्छा एक में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए गणित की बात कर रही है हम। अब जैसे बच्चों को जोड़ सिखाया गया, तो जब जोड़ सिखाया जाता है तो हो सकता है कोई बालक पढ़ने में बहुत कमजोर हो,
उसका मित्र क्या करे, सवाल लगा ले। तो बच्चे करते क्या मोहम्मद, पड़ोसी से नकल मारते, ठीक, क्या करते हैं नकल। तो नकल मारना तो लगभग लोग जानते होंगे, तो कहाँ सीखते हैं, अपने पड़ोसी या अपने मित्र से। तो इस मित्रता के बीच यदि बालक पढ़ने में कमजोर है तो उनसे क्या सीखेगा, अभी तो हमें लग रहा है तो नकल कर रहा है, तो गलत चीजें सीख, लेकिन वो क्या करे, प्रयासरत होगा, आज वो नकल वाली कल दूर बैठेगा, क्या करे, घर पे लगाने का प्रयास करेगा, क्या सोचेगा कि मेरा क्यों। तो यह मित्रता के बीच जो होती है उसमें क्या होती है, प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो हमें जो समझना था कि पर्यावरण की कक्षा में मित्रता को क्यों रखा गया, तो मित्रता का मात्र एक उद्देश्य रखने का था कि ताकि इस अध्याय में हमें बालक के बीच प्रतिस्पर्धा करना है। और मित्रता क्या बताती है, बालक को यह योग्य रूप से, जैसे कि बालक खेलना होगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मैम पढ़ेंगे, कुछ सर पढ़ाएंगे आपको बाल विकास, तो वहां ये देखेंगे कि बालकों में खेल की भावना की जागृत क्यों, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में क्यों खेल को सम्मिलित किया गया, जैसे पढ़ेंगे किंडरगार्टन पढ़ेंगे आप लोग, ठीक, ट्रैवल अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो जब वहां पढ़ेंगे तो वहां भी ये लोग सीखने मिलेगा कि खेल को क्यों रखा गया, प्राथमिक कक्षा में खेल को भी सम्मिलित क्यों, क्योंकि कहा गया खेल के द्वारा पढ़ाइए, ताकि उनके अंदर मित्रता के व्यवहार के साथ साथ खेल खेल में वो क्या करे, पढ़ना सीखे। और मित्रता की वजह से वो लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। अब भी आज भी होता है, जैसे अभी क्लास शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जब अच्छे से जब संख्या ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए किसी स्थान से चार लड़कियां आती है, ये अनुभव बता रहे पूरा, अगर उसमें से किसी एक की तबीयत खराब हो गई, ठीक, तो क्या होती है, चार होता है, यही होती है मित्रता, ऐसा होता है ना, सही बात है, एक गायब कर गए, ठीक हम होने जाओ, अच्छा ठीक है छुट्टी, तो क्या होता है, चारों नहीं, ये बड़े बच्चों की हाल है, तो छोटे बच्चों के साथ भी यही होती है, आज विद्यालय जाना, हाँ ठीक है चलना, होमवर्क पूरा करना, होमवर्क पूरा करना है, ठीक, तो उनके बीच क्या होती है प्रतिस्पर्धा। इस मित्रता का उद्देश्य यही है, क्या करना, बालक से बालकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, उनके बीच सकारात्मक विकास होते हैं, शारीरिक रूप से उनका विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है। शारीरिक रूप से कैसे होगा, वह खेलेंगे, खेलने में उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी, तो उनका क्या होगा, शारीरिक रूप से उनका विकास, मानसिक रूप से क्या होगा, उनके बीच जब कक्षा के अंदर प्रतिस्पर्धाएं होंगी, आपस में पढ़ने के लिए होंगी, जैसे ही होगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ेंगे, मोटिवेशनल फोर्स पढ़ेंगे, मोटिवेशनल पढ़ेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग सीखने के लिए मिलेगा कि बच्चों के अंदर जब हम लोग अभी प्रेरणा को रखते हैं या जब पुरस्कार रखते हैं, तो भी क्या होता है, वह एक मित्र से दूसरे मित्र से आगे जाने का प्रयास करता है। तो मित्रता कहीं ना कहीं बालकों के लिए वह वरदान होती है, जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से उसे मजबूत बनाती है। तो अब जब सीटेट में प्रश्न पूछा जाएगा, जब सीटेट में प्रश्न आएगा, तो मित्रता को इस बात को आप जितनी भी आगे हम लोग बाल विकास की थ्योरी पढ़ेंगे, उन बाल विकास की थ्योरी के आधार पर ही हमें यह बताना है, या इस प्रश्न को इस तरह से उत्तर देना है, ताकि उसका प्रभाव बालकों के ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ता है। और इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद को नहीं पढ़ना, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में अपवाद कम पढ़ने को मिलेंगे, हाँ जूनियर में होता था इसके अपवाद भी पढ़ने को मिल जाते, लेकिन यहाँ पे आपको अपवाद नहीं मिलने हैं, बस इसको ये पढ़ना है कि मित्रता में अगर आपके प्रश्न आते हैं, या 2016 में 2014 में दो बार ऐसे प्रश्न आए हैं इस अध्याय से, इस अध्याय में बस आपको यही काम करना है कि आपको मित्रता की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक कक्षा में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, दो मित्र झगड़ा कर रहे हैं, तो आप अगर एक अध्यापक होने आते अब क्या करेंगे, पूछा सीक्रेट में, अगर आपकी कक्षा में पर्यावरण कक्षा में दो मित्र आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करें, बुला के पहले पीटेंगे, हाँ क्या करेंगे, हाँ तो उसमें चार विकल्प दिया है, अब विकल्प क्या दिया है, लेकिन विकल्प में जब भी देंगे, लिखेंगे, जब टिक करेंगे, इस बात को सकारात्मक सोच कर लिखेंगे कि उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, हो सकता है उनके झगड़ने का कारण पूछा जाए, फिर उससे क्या करा जाएगा, अगर प्रतिस्पर्धा की भावना है तो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की जाएगी, और प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है तो उन्हें क्या किया जाएगा, उनके बीच सकारात्मक माहौल बनाया जाएगा, या उनके बीच क्या कराया जाएगा, मित्रता कराई जाएगी। ये एक अध्यापक का कर्तव्य होगा, ये नहीं है उसको बुला के मारिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि विकल्प कैसा उसने दिया, क्योंकि वो चार विकल्प देगा, उस चारों विकल्प में आपको ये देखना है, अगर आप एक अध्यापक है और आपकी कक्षा में क्या हो रही है, बच्चे लड़ाई कर लें, या दो बच्चे आपस में लड़ाई कर लें, तो उसे क्या करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उन्हें निपटाएंगे, और उन्हें मित्रवत व्यवहार के लिए अभिप्रेरित करेंगे, ठीक, ताकि वो भविष्य में इस प्रकार की कोई झगड़े ना करे, आपस में सहयोगात्मक रूप से रहें, सहयोगात्मक माहौल बनाए, ठीक है। तो ये हो गया मित्रता खत्म, इसके बाद का जो अध्याय है वो क्रम बाय क्रम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए तो ऑनलाइन 6306344367 पर जुड़ सकते हैं, और आप सभी को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप तक पहुँच जाए, और
और तो यह पर्यावरण कक्षा है, और पर्यावरण कक्षा में हमें उसी रूप से पढ़ना है जिस रूप में सीटेट में आता है, क्योंकि यह जो शुरू के अध्याय थे इस अध्याय से भी केवल केवल 2 से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो जो पढ़ाव आगे बढ़ेगा त्यों त्यों प्रश्नों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और अध्याय भी काफी बड़ा होता जाएगा। यह अध्याय छोटा था इसलिए परिवार और मित्रता दोनों ने बता दिया, हम और हमारा परिवेश। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, जो अगला अध्याय है, वह है हम और हमारा परिवेश। हम और हमारा जब परिवेश पढ़ेंगे, हमारा परिवेश पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको खींच के कम से कम लंबे पढ़ेंगे, उसे कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर पढ़ते हुए चलेंगे एक एक क्रम वाइज क्रम।